पिछले साल तक लेनोवो ब्रांडिंग के अंदर कंपनी कई सारे फोन्स लॉन्च कर रही थी, जबकि मोटोरोला के सिलेक्टिव फोन्स ही देखने को मिलते थे। लेकिन इस साल मोटोरोला बिल्कुल बदला हुआ है। अब तक लेनोवो का एक भी फोन लॉन्च नहीं हुआ और मोटोरोला छाया हुआ है। मोटो G5, मोटो G5 प्लस, मोटो G2 प्ले और मोटो सी के बाद अब कंपनी ने मोटो सी प्लस को भी उतार दिया है और हमारे पास ये फ़ोन रिव्यू के लिए आया। और कई दिनों के यूज़ के दौरान हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये फ़ोन साल 2017 का वन ऑफ द बेस्ट बजट फ़ोन साबित हो पाएगा या नहीं। अब हालांकि लिनोवो ने इस साल मोटो G5 प्लस और मोटो Z के डिज़ाइन को काफ़ी एनहांस किया है, लेकिन मोटो C प्लस में मुझे कुछ ऐसा कमाल नहीं दिखा। ये एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी वाला फ़ोन है जिसके बैक पैनल को आप रिमूव कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसकी बैटरी को भी रिमूव कर सकते हैं। आपको बता दूँ कि मोटोरोला के दूसरे फ़ोन की तरह ही इसमें आपको दो सिम कार्ड स्लॉट और एक अलग सा मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है। अब अगर आप देखेंगे तो इसकी बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन लुक्स के मामले में मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। साथ ही साथ ये फ़ोन थोड़ा भारी भी है। इनफैक्ट इसी प्राइस रेंज में आप Xiaomi Redmi 4 को अगर देखेंगे तो उसमें आपको फुल मेटल बॉडी और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। वहीं आपको बता दूं कि इसमें 5 इंच का HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया है, जो कि एक बजट फोन के हिसाब से ठीक है। वाइब्रेंट कलर्स और क्रिस्प टेक्स्ट वाले इस डिस्प्ले को आप तेज़ धूप में आसानी से यूज़ कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि इसमें ऑटो ब्राइटनेस फीचर नहीं है इसलिए इस फ़ोन में आपको खुद ही ब्राइटनेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि इसे खरीदते सार ही आप इसमें स्क्रीन गार्ड लगवा लें। अब मोटोरोला के कैमरा हमेशा से ही अच्छे साबित हुए हैं, लेकिन इस बार कंपनी ने अपने सभी फैंस को थोड़ा निराश किया, क्योंकि मोटो सी प्लस में दिया है 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिससे हम थोड़ा निराश हुए। लगभग सभी फोन्स की तरह आप डे लाइट में तो अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे, लेकिन लो लाइटिंग कंडीशन में ये अच्छे पिक्चर क्लिक करने में असमर्थ है। ये हाल इसके रियर कैमरा का ही नहीं बल्कि इसके फ्रंट कैमरा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पर अच्छी बात यह है कि इसके फ्रंट कैमरा में LED फ्लैश दिया है, जिसकी हेल्प से आप अंधेरे में भी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो कैमरा सेक्शन एवरेज है, पर आप देखेंगे तो बजट फोन में अक्सर आपको पुराना सॉफ्टवेयर ही मिलता है, लेकिन मोटो सी प्लस में ऐसा नहीं है। कंपनी ने अपने दूसरे फोन्स की तरह इसमें भी लेटेस्ट एंड्रॉयड नोगा मुहैया कराया है, जो कि नियर स्टॉक है। साथ ही साथ इसमें आपको गूगल असिस्टेंट भी मिल जाएगा, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि मोटोरोला का सॉफ्टवेयर हमेशा से ही अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होता है, और इसमें भी आपको साफ सुथरा इंटरफेस ही मिलेगा। अब हालांकि मोटो सी प्लस में आपको मीडियाटेक 6737 प्रोसेसर मिलता है, जो कि हैवी ग्राफिक गेम्स खेलने में आपको दिक्कत देगा, लेकिन अपने अच्छे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से इसमें सबवे सर्फर जैसी गेम्स खेलना हो या फिर रोजमर्रा के कामकाज करने हो, ये फ़ोन आसानी से हैंग नहीं होता और आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। अब हालांकि आपको बता दूं कि अगर आप लगातार इसमें गेम्स खेलेंगे तो आपको 20-25 मिनट गेमिंग के बाद ही हीटिंग इश्यूज देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसकी स्टोरेज की बात की जाए तो उसमें आपको 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, जो कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडेबल है। उसके अलावा इसमें 4000 mAh की बैटरी है, जो कि हमारे वीडियो लूप टेस्ट में 14.5 घंटे तक सर्वाइव कर पाई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब वर्डिक्ट देखा जाए तो 6999 रुपये की कीमत पर मोटो सी प्लस मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में Xiaomi Redmi 4 आपको फुल मेटल बॉडी, फिंगरप्रिंट सेंसर, बेहतरीन कैमरा और दमदार परफॉर्मेंस ऑफर करता है। आपको मोटो सी प्लस सिर्फ अपनी ब्रांड वैल्यू, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और अच्छी बैटरी की वजह से ही खरीदने के लिए अपनी ओर प्रेरित कर सकता है। तो ये था मोटो सी प्लस का डिटेल रिव्यू। अगर फिर भी आपको इस फोन के लिए कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे जल्द से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको बता दूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर में जुड़ सकते हैं। मेरा ट्विटर ID है @KeshavKhera। अंटिल देन दिस इज़ KeshavKhera साइनिंग ऑफ।